सो ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आप में से काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि BCCL का अभी तक फॉर्म नहीं आया, तो कब तक आने की पॉसिबिलिटी, डेट है, और अभी तक नहीं आया, इतना लेट हो चुका है, इसके बारे में आप क्या सोच रहे होगे। ठीक है, तो गाइज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि BCCL का फॉर्म कब तक आएगा, और ये आने में और कितना ज़्यादा टाइम लगाएगा, और आ भी जाता है तो कितना जल्दी आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा, और अभी तक आप लोगों ने क्या क्या प्रिपरेशन किया है, इस सभी के बारे में मैं आपसे डिटेल्स में बात करूँगा। तो बने रहना वीडियो के अंत तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, और दोस्तों में आप शेयर भी जरूर कर देना, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि BCCLE के स्पेशली रिगार्डिंग होता है, BCCLE का अपडेट होता है, BCCLE की तैयारी करने की बात होती है, या किसी भी तरीका का आपका हेल्प चाहिए BCCLE के रिगार्डिंग, उसको मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ आप भी मेरे वीडियो को शेयर कर देना, ताकि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेटेड रहूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, मैं सबसे पहला आप लोगों को बात ये बताना चाहता हूँ कि BCCLE का फॉर्म अभी तक नहीं आया है, इसका रीज़न क्या है। तो इसका सिंपल रीज़न आप लोगों को भी पता होगा कि कोविड का केस चल रहा था, तो कोविड के केस में भाई तो ऐसे भी कुछ हो नहीं रहे थे, ऑफिशियली सारा काम क्लोज था। तो फाइनली जो है अभी बोर्ड जो है मतलब रीओपन हो चुका है, ठीक है, और बोर्ड में जितने भी मेंबर्स हैं वो एक्चुअली काम करने वहाँ पे जा रहे हैं, तो आप लोगों का जो BCCLE का फॉर्म है वो बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये मैं वीडियो स्पेशली बना क्यों रहा हूँ, तो ये इसका सिंपल बनाने का यही सब मोटिव है कि देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर आपको देख पा रहा होगा कि अभी एक ITI का फॉर्म निकला हुआ है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि स्टार्ट हो जाएगा, 5 तारीख से भरना स्टार्ट हो जाएगा इसी मंथ का, ठीक है। और BCCLE भी है, उसके भी जितने भी मेंबर्स, जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं जो कि कार्यरत हैं उसमें, वो लोग भी अपने विभाग में जा रहे हैं और वो लोग भी अपना काम करना स्टार्ट कर दिए हैं गाइज। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि हार्डली 15 तक, मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, हार्डली 15 के अंदर ही आपका BCCLE का फॉर्म आ जाएगा, यानी कि इस मंथ 15 जो आ रहा है, 15 जुलाई, वहाँ उस तक डेट तक आपको BCCLE का एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि आप लोग के प्रिपरेशन जो है अभी तक अगर आपने कंप्लीट प्रिपरेशन कर लिया होगा तो बहुत अच्छा, अब आप सेट देना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात ये, तीसरी बात ये कि अगर आपने BCCLE का अभी तक प्रिपरेशन नहीं करना स्टार्ट किया, अभी आप सेमेस्टर में बिजी थे, या कितने लोग सोच रहे थे कि सेमेस्टर का एग्जाम आएगा तो देखा जाएगा, बस देखा जाएगा ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, अब अपना प्रिपरेशन हार्ड मतलब हार्डली करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए आप जितना जल्दी सिलेबस को कंप्लीट एक बार कवर कर लेते हो तो उसके अनुसार आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, तो आप जो है अच्छा खासा रैंक गेन कर सकते हो, और जितना अच्छा रैंक आएंगे आपको उतने अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूँ कि आपको अच्छा एक कॉलेज मिलना बहुत नेसेसरी होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होगा, अभी आप डिप्लोमा कर रहे होगा तो उतना आपके पास आइडिया नहीं होगा, बट आप किसी सीनियर के कांटेक्ट में हो तो आप पूछ के देखना जो कि लो कैटेगरी के कॉलेजेस होते हैं और जो हाई कैटेगरी के कॉलेजेस होते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस आती हैं, प्लेसमेंट वेरी करता है आपका, वहाँ का इन्वायरमेंट वेरी करता है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें फैक्टर करती है, उसके बारे में आपसे कभी बात करूँगा। तो अभी फिलहाल मैं यही बात करना चाहता हूँ कि आप जितना हो सके अच्छा से मेहनत करो, आपका जो है एडवर्टाइजमेंट आपको BCCLE वाला वो काफ़ी जल्द देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना गाइज। तो आप बेफिक्र रहो, जब भी अपडेट आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि BCCLE का फॉर्म कब आ रहा है या कैसे आ रहा है, या जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और मैं आपको प्लीज़ एक चीज़ आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते मुझे, मतलब 58% ऐसे लोग हैं कि बिना सब्सक्राइब किए ही देखते हैं वीडियो को, पता नहीं यार, एक रेड बटन तो है, दबाना ही तो है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, बस थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिल जाता है कि अब मेरे पास भी कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे पास भी कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आप वैसे ही वीडियो देखते हो तो भी मेरा ऐड आता है, आपको ऐड दिखता ही होगा, तो अर्निंग में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप सपोर्ट करोगे तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अब मैं लास्ट में ये बताना चाहता हूँ कि आप अपना प्रिपरेशन हार्डली स्टार्ट कर दीजिए, चूँकि आपके पास समय काफ़ी ज़्यादा कम है। अब मैं आपको बता दूँ कि जैसे BCCLE का फॉर्म आएगा तो आप ITI का देखना, आपको 15 से 20 दिन भी आपको टाइम नहीं मिल पा रहे हैं फॉर्म को फिलअप करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा तेज़ जल्दी से आपको फॉर्म भरने को डेट जो है बहुत कम दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको बोलूँ तो आपके पास भी जो डेट आएगा ना वो 25 से 20 के बीच में ही रहेगा, यानी कि 20 से 25 दिन में ही आपको फॉर्म को फिलअप कर देने हैं। और जैसे आप फॉर्म को फिलअप कर ले तो जैसे फॉर्म का फिलअप लास्ट डेट रहेगा उसके एक मंथ के अंदर ही अंदर आपको ये चीज़ भी देखने को मिल जाएगा कि आपका एग्जाम जो होगा उसका डेट आपको फिक्स कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से कुल मिला के बात करूँ तो आपके पास 2 मंथ मतलब मैक्सिमम आपके पास 2 मंथ ही बचा है जो कि आप BCCLE क्रैक कर सकते हो,
तो आप इस बात को गांठ बांध के रख लेना कि आपको BCCLLE अगर क्रैक करना है तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना। आप प्रिपरेशन कहाँ से करें, ये भी पूछने वाली बात है। तो मेरे चैनल का यहाँ पे जो आप प्लेलिस्ट जितना दिख रहे हैं, आप यहाँ पे जाकर सारी चीज़ों मैंने वीडियो बना के रख दिया, आप चाहो तो वहाँ से जाकर देख सकते हो। और जो भी चीज़ें आपको और डे बाई डे चाहिए वो मैं आपको लिए वीडियो बनाते ही रहता हूँ। अभी फ़िलहाल 2-4 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ